हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ आपके आधार कार्ड को लेके। जी हाँ गाइस, जो कि UIDAI आधार कार्ड को लेके हर समय कुछ ना कुछ अपडेट्स लाता रहता है, कुछ ना कुछ फीचर्स लाता रहता है। जो कि फिलहाल एक अपडेट आया है आपके आधार कार्ड के QR कोड को लेके। जी हाँ, जो कि आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर ऐसा ही इंटरेस्टिंग वीडियोज आता रहता है। जी हाँ गाइस, UIDAI ने आधार कार्ड के जो QR कोड है उसे लेके जो अपडेट लाया है, यानी आप जो आपके आधार कार्ड पे QR कोड मौजूद रहता था उसे स्कैन करके सिर्फ आप अपने आधार नंबर को ही देख सकते थे और उसे हर कोई इजीली मॉडिफाई कर सकता था, उस पर कुछ भी इंफॉर्मेशन करेक्शन कर सकता था। लेकिन आप जो QR कोड आपके आधार कार्ड पे मौजूद है उसे हर कोई ऐसे आसानी से मॉडिफाई नहीं कर सकता है, और इसे स्कैन करके आपका सिर्फ आधार नंबर ही नहीं, इस पर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स मिल सकता है, यानी आपके नेम, आपके जेंडर, आपके डेट ऑफ बर्थ या फिर आपके एड्रेस तक, यहाँ तक कि आपके जो फोटोग्राफ आपके आधार कार्ड पे रहता है वो भी इसे स्कैन करके कोई भी देख सकता है। कैसे देख सकता है या फिर ये कौन से आधार कार्ड पे दिखा जाएगा? देखिए, फिलहाल जो आपके पास आधार कार्ड है वो शायद पुराना हो चुका है, जिसके लिए इसे स्कैन करके वो नहीं दिखा जाएगा। लेकिन अब अगर आप आधार कार्ड को डाउनलोड करते हो या फिर किसी PBC कार्ड मंगवाते हो या फिर आप फिलहाल PBC कार्ड को डाउनलोड करते हो तो इसका जो QR कोड है उसे आप स्कैन करके देख सकते हो। जो कि आपके जो QR कोड फिलहाल है ये काफ़ी हाई टेक हो चुका है, ये काफ़ी हाई सिक्योरिटी लेवल की हो चुका है, यानी ये जो QR कोड है इसे आप देख सकते हो, इस पर सारे इन्फॉर्मेशन आपका दिखा जाता है। जी हाँ, अगर आप किसी काम करते हो और इस पर आपको लोगों की ज़रूरत है तो किसी एम्प्लॉय को रखने के लिए उसका किसी भी डॉक्यूमेंट तो रखना ज़रूरी होता है, जो कि आधार कार्ड को आजकल बहुत सारे महत्व दे जा रहा है। अगर आप उस एम्प्लॉयज़ के आधार कार्ड को अगर आप स्कैन करोगे तो आप देख सकते हो उसके सारे इन्फॉर्मेशन रहेगा, वो सब कुछ आप देख सकते हो। अब बात आता है उसे कैसे आप स्कैन कर सकते हो। जी हाँ, इसे ऑफलाइन भी आप स्कैन कर सकते हो। इसके लिए UIDAI ने जो एप्लीकेशन लॉन्च किया है, यानी आधार QR स्कैनर के जो एप्लीकेशन है वो एप्पल स्टोर पर भी मिल जाएगा आपको, एंड्रॉयड पर भी मिल जाएगा, और उसे आप विंडोज़ के लिए भी ये सॉफ्टवेयर मिल जाएगा जो कि आप यूज़ कर सकते हो। इसे स्कैन करके आप किसी का भी देख सकते हो, इसे ऑफलाइन भी आप स्कैन कर सकते हो। जो कि आधार कार्ड को लेकर के UIDAI ने फिलहाल ये अपडेट दे चुका है। जी हाँ, तो ये जो वीडियो है ये शायद बहुत ही छोटा सा वीडियो है, लेकिन ये बहुत ही मुझे लगा काम का वीडियो है, जो कि आप लोगों से शेयर करना चाहिए। जो कि आप देख सकते हो, मैं एग्जांपल के तौर बता रहा हूँ, आप आधार कार्ड के थ्रू अगर आप एक ड्राइविंग लाइसेंस भी अप्लाई करते हो और वो आपके आधार कार्ड वेरीफाई नहीं होता है तो देख सकते हो आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो नहीं बनता है। सिर्फ ड्राइविंग लाइसेंस से क्यों, किसी भी काम पर ऑनलाइन आप अगर आपके आधार कार्ड के थ्रू करना चाहते हो तो आपका आधार नंबर जो है वो वेरीफाई होना ज़रूरी है, जो कि इस ऐप के माध्यम से आप उसे चेक भी कर सकते हो अपने आधार कार्ड वेरीफाई है या फिर नहीं है। जी हाँ, और बाद में आप उसे वेरीफाई भी कर सकते हो। जी हाँ, फिलहाल के लिए इतना ही इन्फॉर्मेशन था जो कि मैंने आप लोगों से शेयर किया है। शायद आप लोगों को ये बहुत अच्छा लगा ये वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, और हमारे चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर करना और साथ में बेल आइकन को भी ऑल पे प्रेस कर देना। आज के लिए इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में।